मुझे उस लालच की सजा मिली मामा जी। मुझे क्या पता था कि रजिस्ट्रार ऑफिस में मैं एक ऐसे पेपर पर भी साइन कर रही हूँ जिसके बल पर वो हमसे हमारा आशियाना छीन लेंगे। बल्कि छीन लिया मामा जी। मुझे क्या पता था कि वो भोला भाला दिखने वाला हरिलाल देवराज का बेटा राहुल होगा जिसने अपने चेहरे पर मुखौटा पहन रखा था। क्या जब मैं यहां नहीं था तो इतना सब कुछ हो गया? वो लोग ने मेरे न होने का इतना बड़ा फायदा उठाया। नहीं छोड़ूंगा, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। खिलवाड़ करने की कोशिश की, तू जानता नहीं वो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी जान है। तूने आज उसकी आंखों से आंसू निकाले ना, मैं तेरी जान निकालूंगा। ये क्या कर रहे पाप, छोड़िए प्लीज। अगर अपनी भांजी से इतना ही प्यार करते थे तो तुमने सामने से मेरे साथ मुकाबला क्यों नहीं किया, तब क्यों से आगे कर दिया? डैडी, इनके खानदान का उसूल होगा कि बेटियों को आगे कर। हेलो पुलिस, कहां चले गए तुम लोग? कुछ बोल के भी नहीं गए, कहां इतनी देर लगा दी? चाचा जी, घर का ताला खुद लगाने में 2 मिनट लगते हैं और कोई दूसरा लगाए तो 2 घंटे भी लग सकते हैं। तुम क्या कह रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देवराज अंकल ने हमारे आशियाना पर कब्जा कर लिया है। बस आगे कुछ मत कहना, मेरा दिल बहुत कमजोर है, पहले ही 2 अटैक आ चुके हैं। नहीं चाचा जी, आपको तीसरा अटैक नहीं आएगा। हम अपना आशियाना लेकर रहेंगे और आप इसकी खुशी जरूर देखेंगे। वो सब तो ठीक है, ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो हमारे सर से छत छिन गई है, हम रहेंगे कहाँ? चाचा जी, इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ पापा की चिंता है। लेकिन कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना चाचा जी, इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं तो हमें किराए का घर मिल जाएगा ना। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तो मिलके गेस्ट हाउस में रह लूंगा, इसी बहाने मिल की देखभाल भी हो जाएगी। लेकिन चाचा जी, ये सब बातें छोड़ो, ये खुशखबरी सुनो, भैया पर से खतरे का साया टल गया है, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें दूसरी जिंदगी देने के लिए 10 लाख रुपए खर्च होंगे। 10 लाख? वो दामिनी का मामा अपनी भांजी के लिए इतने जोश में आया जैसे सोडा वाटर का जोश होता है, और आते ही मेरे बेटे के गिरेबान पे हाथ डाल दिया। इतनी हिम्मत? हाँ देखो, अरे मैंने आज तक अपने बेटे को कभी डांटा तक नहीं है, और उसकी हिम्मत देखो, उसने मेरे बेटे को तमाचा मार दिया। अगर रिवॉल्वर होती ना तो उसे गोली से उड़ा देता। तो फिर आपने एक्शन क्या लिया? पुलिस स्टेशन फोन किया और उसे अरेस्ट करवा दिया। बहुत अच्छा किया आप, मैं तो कहता हूं पुलिस को माल खिलाकर 2-4 केस उस पे और डाल दीजिए ताकि लंबी कैद हो जाए, बाहर रहेगा बिना बात की टांग अड़ाए। परमजीत,
मोहन को इस बात का अंदाजा नहीं है वो किसके साथ टकरा है। बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेस नहीं चलाता, राजनीति भी करता है। मैंने राहुल को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है और मामा पर पुलिस केस बनवा दिया है। राहुल को कुछ हुआ तो नहीं? अरे परमजीत भाई साहब, आप क्यों चिंता कर रहे हो? सर्जी के होते हुए उसे कुछ हो सकता है? अरे उसे कुछ नहीं, मैंने डॉक्टर से कह दिया है कि पेशेंट की रिपोर्ट को थोड़ा सीरियस कर दो ताकि मोहन तब तक बाहर ना आए जब तक आशियाना पर हमारा बोर्ड ना लग जाए। मैंने डॉक्टर से कह दिया है कि पेशेंट की रिपोर्ट को थोड़ा सीरियस कर दो ताकि मोहन तब तक बाहर ना आए जब तक आशियाना पर हमारा बोर्ड ना लग। इंद्रजीत के घर में दामिनी और मोहन, ये दो ही मोहरे जो हैं एक्टिव हैं, बाकी सब मेरे पैदे। मैंने भी उन्हें हेल्प ना करने का एक अच्छा बहाना बनाया। क्या बहाना? मैंने उनसे कहा कि मुझे कभी बुरी खबर मत देना क्योंकि मुझे पहले दो अटैक आ चुके। हाँ, और तीसरे अटैक में आपका काम तमाम ना हो जाए इस तरह से कुछ नहीं बताए और ना ही ये रास को लेके आप हमारे साथ। समझदार है। देखिए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं, इन्हें पता नहीं कब होश आए, हमें जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। सारी मुसीबतें, सारी गर्दिशें मेरे नसीब में लिख दी। आंटी, मैं भी तो इंसान, अब मैं घबरा गई हूं आंटी, अब मैं घबरा गई हूं आंटी, मुझसे अब ये पूछ नहीं मिलते, मैं थक गई। नहीं बेटा, नहीं, इस तरह रोती नहीं। मैंने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तो बहुत नसीब वाली है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। दुनिया के रचयिता ने जब ये दुनिया बनाई तो दुनिया की सारी चीजों से ये पूछा गया था कि दुनिया का बोझ कौन उठाएगा। सबने इनकार कर दिया लेकिन इंसान ने हिम्मत की और दुनिया का बोझ उठाने के लिए वो तैयार हो गया। लेकिन सभी इंसानों ने हां नहीं की, बस कुछ ही लोग थे जो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें आजमाने के लिए भगवान ने उनकी परीक्षा ली। कुछ लोगों को सूली पर चढ़ाया, कुछ लोगों को वनवास भेज दिया और कुछ लोगों को तकलीफें और गर्दिशें दे दी। सारे लोग इस परीक्षा में खड़े उतरे, वो लोग भगवान को प्यारे बन गए और आज उन्हीं लोगों को
हम देवी देवता मानते हैं। दामिनी, भगवान तुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो तुम्हें तकलीफें दे रहा है वो, क्योंकि उसे पता है तू उफ तक नहीं करेगी, बहुत चाहता है वो तुम्हें। आंटी, आपकी बात ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी, अब मैं कभी ऐसी बातें नहीं करूंगी। लेकिन आज मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कभी किसी के सामने बिनती मत करना जैसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। एक बात और, कभी रोना भी मत, क्योंकि रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, होगा वही जो वो चाहेगा, है ना? इसलिए वादा करो, आज के बाद तुम कभी नहीं रोगे, बस हंसते रहना, रोना नहीं। चलो अब हंस। तुम्हारा हंसता हुआ यह चेहरा देखकर दुख तुमसे दूर भाग जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। नहीं रोते बेटा, हंसो बेटा, हंसो। बनाते हैं, बनाकर क्यों बसाते हैं? तकदीर तिनके क्यों चुनवाती है, क्यों आशियाना बनवाती है? क्या इसलिए कि कोई भी आए और उसे आग लगाकर चला जाए? पर आग तो रोशनी के लिए होती है, यहां इतना अंधेरा क्यों है? हाँ, दामिनी के पापा आकर मुझसे पूछेंगे कि घर में अंधेरा क्यों है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी उनसे कि घर में अंधेरा क्यों है? मैं बताता हूं उनसे क्या कहना। उनसे कहना कि जान से बढ़कर कोई चीज नहीं, अरमान से बढ़कर कोई जख्म नहीं, और औलाद से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। और जब ये सब कह लो, तब इन सवालों के जवाब पूछना। भाभी, भाभी हमारी एक जिद, आशियाना नहीं छोड़ने की इसी जिद ने आज हमें क्या क्या दिखा दिया है। लेकिन आशियाना तो अब हमारे पास नहीं है, आशियाना तो दे दिया, फिर आपके भैया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पुरानी बातों को भूल जाइए भाभी, और दामिनी से भी कहिए खाक डाले उन बातों पर जिसमें दुख और दर्द के सिवा और कुछ नहीं। सब कुछ आशियाना के लिए हुआ है, ये सब जानने के बाद भी आशियाना नहीं छोड़ना चाहती। भाभी, अगर हम हमारी इज्जत नहीं छोड़ेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा हमें, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं। नहीं, और कुछ रह ना रहे, आपके भैया जरूर रहेंगे, वो यही रहेंगे, आपके भैया यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे वो। आपने बिल्कुल सही कहा, सब मिट गया, बर्बाद हो गया, और हमें पता भी नहीं चला, आपने हमारी आंखें खोल दी। ये आशा मनुष्य है हमारे लिए, ये आशा ने कुछ हो गया, हमारा सुख चैन, हमारी शांति, हमारी दौलत, सब कुछ हो गया, हमारे बच्चे परेशान है, हम परेशान है, सब सभी आशा की वजह से, सभी आशा की वजह से इस आशा ने हमें बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया हमें, इस आशा ने की वजह से सब कुछ।
मनु चाहिए, मनु। दामिनी, तुम चिंता मत करो। मैं मानती हूँ कि 10 लाख की रकम बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि उसका इंतजाम नहीं किया जा सकता। हो जाएगा बेटा। आंटी, कोई काम रुकता नहीं है, सब हो ही जाता है। ये भी हो जाएगा अगर आपका आशीर्वाद रहा तो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, और मैं कोई जबानी या शब्दों से हमदर्दी नहीं जता रही हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हाँ दामिनी। नहीं आंटी, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हाँ दामिनी। नहीं आंटी, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम मुझसे पैसे थोड़ी ना मांग रही हो। अरे, मैं खुशी से दे रही हूँ, और ये मेरा कर्तव्य भी है दामिनी। आंटी, ये क्या कम है कि आप सारी बातें, सारी शिकायतें, सारी नफरतें भूलकर अपना दिल साफ करके यहाँ पर आई और आपने मेरे सर पर हाथ रखा। ऐसे मौके पर तो अपने भी बेगाने हो जाते, मुंह फेर कर निकल जाते। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी आंटी। उपकार का बोझ तो उठा लिया, कर्ज का बोझ नहीं उठा पाऊंगी आंटी, नहीं उठा पाऊंगी। और वैसे भी पापा ने सिखाया है कि अपनी मदद खुद कर। मैं व्यर्थ थोड़ी ना, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूं। ठीक है, कर समझ कर ले लेना, बाद में लौटा देना। नहीं आंटी, पापा को इस बात से बहुत नफरत है कि इंसान के हाथ पैर होते हुए भी वो किसी और के सामने हाथ फैलाए। वो तो यहां तक कहते हैं कि भगवान से भी कुछ मत मांगो, और अगर मांगना ही है तो कहो भगवान हमें नेक बनाए, हमें सच्चा बनाए, हमसे कहीं कोई पाप ना हो जाए, हमारी मेहनत को सफल कर। आंटी, मैं आपसे मदद नहीं ले सकती। मैं 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लूंगी। पागल लड़की, तुम्हारे पिताजी की नसीहत बिल्कुल सही है। अभी वो होश में नहीं है। अगर होश में होते ना, और अगर तुम उनसे जाकर पूछती, तो उनका जवाब यही होता कि जिन पर अपना अधिकार होता है उनसे क्यों नहीं मांगा जा सकता। पर दामिनी, ये पैसे तो मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूँ बेटा। मगर आंटी, आप पर मेरा अधिकार कहाँ है? दामिनी, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। इसका मतलब यही हुआ ना कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। नहीं आंटी, नहीं, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। अगर मेरे दिल में ऐसा कुछ होता तो आपको देखकर मेरी आंखों में आंसू कभी नहीं आते। अच्छा ठीक है, मुझे मेरी कोशिश करने दीजिए। अगर मुझसे इंतजाम नहीं हो पाया तो आप मेरी मदद कर लीजिएगा, बस। ठीक है, मैं तुम्हारी खुदाई को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। जैसे तुम्हारी मर्जी।